सरोजी वाले भैया भी आपको 100 रुपए में बिक्री दे सकते हैं, सो देयर यू गो फ्रॉम आजियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। फाइनली आई एम फिल्मिंग माय लॉन्ग पेंडिंग आजियो हॉल। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कितना ज़्यादा डिले हो गया था। आई एम रियली सॉरी यार। सो मैंने आजियो से ना एक डेनिम ली थी और जितनी बार मैं उसको पहन रही हूँ ना, बिकॉज आई एम लविंग इट, मैंने उसको 5, 6, 7 पता नहीं कितनी बार पहन लिया है। हमेशा DMs आते हैं कि आपने बोला था ना आपने आजियो से लिया, आप हॉल बनाओगे, कहाँ है वो हॉल, कब बनाओगे, सो देयर यू गो। सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू अपलोड दिस वीडियो, बिकॉज जब मैं कल वीडियो के लिए नोट्स बना रही थी ना, जो मैं पेन डाउन करती हूँ सबके प्राइस एंड ऑल, मैंने देखा ऐप पर सेल लग रही है आजियो पर, आजियो मेनिया कोई सेल चल रही है, और ये सारी चीजें मैंने जिस प्राइस पर लिया ना, डिस्काउंटेड प्राइस का, आपको और भी ज्यादा उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। सो एकदम बढ़िया हो जाएगा, आपके और ज्यादा पैसे बच जाएंगे। अच्छी बात है ना, मैं तो चाहती हूँ आप सबके खूब सारे पैसे बच जाएं, आप सेविंग करो मेरे थ्रू, आपको अच्छी अच्छी डील पता चले। उसके लिए आपको मेरे चैनल का पार्ट बनना पड़ेगा। प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को हिट कर देना, एंड नाउ लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लोथिंग, बिकॉज एक दो ही क्लोथिंग आइटम है, बाकी मैंने फुटवेयर और ज्वेलरीज ऐसा रैंडम आइटम बहुत ज्यादा लिए हैं। ये वाला हॉल बड़ा अजीब होने वाला है, बिकॉज आपको हर एक कैटेगरी की चीजें दिखेंगे इस हॉल में। सबसे पहले मैंने पिक किया था दिसंबर मंथ में आई थिंक ये डेनिम, और जब ये मैंने पहनी थी ना, मैंने उस दिन स्टोरी डाली थी कि ओ माई गॉड गाइज, फाइनली मुझे ऑनलाइन एक वाइड लेग जीन्स मिल गई जिसकी फिटिंग इतनी प्यारी आई है ना, मतलब ऑनलाइन जीन्स मिलना जिसकी फिटिंग भी अच्छी है, जो अच्छी भी लगे और जो अच्छी डील पे भी हो, ऐसा बहुत कम होता है, बट आई अचीव्ड इट। ये बहुत सही आई है यार, और मैंने इतनी बार पहन लिया ना, इंस्टाग्राम पे तो बहुत बार लोगों ने देख लिया होगा। इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, हल्की सी लूज है, इसकी वेस्ट साइज 28 है, 28 ही मैं पहनती हूँ, लेकिन सिंस ये इतनी ज्यादा हाई वेस्टेड है ना, तो बिल्कुल जो कर्व होता है ना, जो सबसे कम वाला एरिया होता है आपकी कमर का, ये वहां पर आती है, तो हल्की सी लूज होती है, बट आई लाइक इट, बिकॉज जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, खाती हूँ, मुझे इंस्टेंटली ब्लोटिंग हो जाती है, और फिर ब्लोटिंग के बाद ना जो भी हाई वेस्टेड जीन्स होती है वो पेन देती है, आपको स्टमक एक होना शुरू हो जाता है। इससे बाद ऐसा नहीं है, बिकॉज ब्लोटिंग होने के बाद एकदम ये परफेक्टली फिट आती है। इट इज अ वाइड लेग जीन्स, आप देख सकते हो वीडियो में साइड में इतनी अच्छी लग रही है। सो इसको मैंने घर में खुद काटा था, 2 महीने से पड़ी है, मैं टेलर के पास जा नहीं पा रही, और वो ऑलरेडी नीचे से ऐसी हेम वाली होती ना, ऐसी थी वो, तो मैंने अपने आप ही कट कर लिया था अपने हिसाब से, बिल्कुल परफेक्ट मैंने कट भी करी है। आई लव द कलर ऑफ दिस वन, एकदम डार्क ब्लू इसका कलर है, कोई भी इसमें फेडिंग नहीं है, कोई भी इसमें रिप ऑफ एंड ऑल नहीं है, तो अगर आप रिप जीन्स नहीं पहनते तो एकदम परफेक्ट आपके लिए, बहुत डिसेंट लगती है, क्लासी लगती है। द ओनली थिंग इज द टैग, इसका एकदम नियॉन चमकीला सा टैग है, जो आई थिंक रिमूव हो सकता है, बट चलो कोई नहीं, पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव इट, आई थिंक मैं आउटसाइड की और डेनिम्स ट्राई करने वाली हूँ। MRP है 1599 और मुझे 719 रुपीज की पड़ी थी डील में, आई थिंक 720 रुपए में, तो मुझे ऑफलाइन भी कोई लोकल स्टोर पे भी डेनिम नहीं मिलेगी। वाइल दिस वन इज रियली गुड, ये वॉश मैंने काफी बार कर लिया, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा था 7-8 बार पहन लिया, तो एक दो बार ये वॉश भी हुई है, उसके बाद भी आप इसमें देख सकते हो कोई फेडिंग एंड ऑल नहीं हुई। आई लव इट, वेरी वेरी कंफर्टेबल, रियली नाइस, डू ट्राई दिस। नेक्स्ट अप इज अ कैजुअल टी फ्रॉम द ब्रांड टीम स्पिरिट, बाय द वे ये जो मैंने पहनी हुई है ये भी फ्रॉम आजियो ही है, ये फ्रॉम द ब्रांड रियो, ये मैंने आपको किसी प्रीवियस आजियो हॉल में दिखाई थी। मैंने इससे पहले 2 आजियो के हॉल बनाए हुए हैं, एक 2020 में बनाया था, एक 2021 में बनाया था, मैं दोनों के लिंक नीचे डाल दूंगी, आप देख सकते हो। ये भी काफी कम्फी है, द ओनली थिंग इज ये बहुत ही ज्यादा पतली है, मतलब ये हल्की हल्की ट्रांजी है, आप देख सकते हो। वाइल ये वाली बहुत अच्छे मटेरियल की आई है, ये फ्रॉम द ब्रांड टीम स्पिरिट, सो डेफिनेटली आप ये टीम स्पिरिट की टीज देख सकते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर आपके ऑफिस में ऐसी टीज अलाउड है, डू गो फॉर दीज वंस। 100% कॉटन है, अच्छा इसका मटेरियल है, इट्स नॉट थिन, एकदम पतला नहीं है, लेकिन ये थिक भी नहीं है, ये ट्रांजी भी नहीं लगता, परफेक्ट इसका मुझे मटेरियल लगा, वेरी वेरी ब्रीदेबल, इसकी स्ट्राइप्स एकदम परफेक्ट जा रही हैं, आप ये देख सकते हो। ऐसी टीज ना आपको सरोजनी में मिल जाएंगी, नो डाउट, वहाँ पे आपको 100-150 की शायद मिल जाएंगी, बट यू विल नोटिस कि ये जो स्ट्राइप्स होती है ना, उनकी ये मैच नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली वो फैक्ट्री वाला कपड़ा होता है, फैक्ट्री वाली स्टिचिंग होती है, सो उनकी ये वाली स्ट्राइप्स ऐसी जा रही होंगी, आगे वाली अजीब सी जा रही होंगी। सो जिन लोगों को थोड़ी सी है कि वो ऐसे बिल्कुल थ्रिफ्टेड वाले नहीं पहनना चाहते, यू वॉन्टेड टू वेयर समथिंग गुड क्वालिटी ऑनलाइन, सो आप ये परचेज कर सकते हो, बिकॉज ये 399 की है, मुझे 275 की उस टाइम डील में पड़ी थी, और मैंने कल जब चेक किया कि आई थिंक 170 समथिंग की अवेलेबल थी, साइजेस बड़े लिमिटेड थे, लेकिन आप डेफिनेटली देख सकते हो। मैंने इस बार मीडियम लिया है, और आप देख सकते हो मेरे ऊपर ये कैसी लग रही है, हल्की सी लूज आ रही है, मैंने जानबूझ के मीडियम साइज ऑर्डर किया था, बिकॉज अब स्मॉल ना काफी ज्यादा ऐसे चुपका चुपका मुझे आता है, चेस्ट से मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो ऐसे कैजुअल में इधर उधर पहनने के लिए मैंने एक साइज बड़ा लिया, ताकि अच्छा ब्रीदेबल रहे। अदर समथिंग वेरी वियर्ड जो मैंने आज तक कभी ना लिया है ना पहना है, पता नहीं मैंने क्यों ले लिया, बट मैं आपको रीजन देती हूँ मैंने क्यों लिया। क्या होता है ना, आज में जो आप शॉपिंग करते हो ना, जैसे मैंने 3-4 चीजें अभी दिसंबर में शॉप करी थी, तो आपको कूपन कोड्स में आप हमेशा जाना, आपको बहुत सारे वहाँ पे कूपन कोड्स दिखते हैं आजियो के, तो वो नीचे और भी दिखाते हैं कि आप 100 रुपीज की और शॉप करो तो ये वाला कोड लग जाएगा, तो मुझे ये कोड दिख रहा था जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी हो जाता है, उसमें लिखा था आपको 150-100 समथिंग का कुछ और शॉप करना, वो कोड आपका अप्लाई हो जाएगा, और वो उसमें एक क्लिकेबल बटन होता है कि आप इस सेक्शन में जाकर शॉप करोगे तो ये कोड वैलिड हो जाएगा, तो मैं वही सेक्शन में गई, मैंने
वहाँ पे जाती हूँ, फिल्टर लगा दिया लो टू हाई का, कि जो सबसे सस्ता होगा 100-150 का वो लेके फिर मैं कोड लगा दूंगी। सो उस सेक्शन में मुझे दिखी ये बिकनी, येस आई वॉन्ट अ बिकनी ऑनलाइन। मतलब ना मैंने पहनी है, मैं इतने मॉडर्स कपड़े पहनती हूँ, आई डोंट इवन वेयर वेरी शॉर्ट ड्रेसेज एंड ऑल, बट मुझे लगा चलो लेके रख लेते हैं, कभी ना कभी तो जिंदगी में काम आएगी। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड अराउजी। ओके, मैंने अब नोटिस किया ब्रांड का नाम अराउजी है काफी। ओके, ये टाई अप हॉल्टर नेक ब्रा एंड पैंटी सेट, सो इट्स बेसिकली बिकनी सेट वट एवर यू से। इसका एक्चुअल MRP है 1143 और ये मुझे पड़ी है हाउ मच फॉर 103, सो 103 रुपये में मुझे बिकनी मिल गई ऑनलाइन, जो आई थिंक सरोजी वाले भैया भी नहीं देंगे। बट या दिस आवर लुक्स लाइक इट्स अ हॉल्टर नेक समथिंग बिकनी, सो इसका जो फ्रंट पोर्शन है, ओके दिस इज द पैंटी सॉर्ट ऑफ थिंग जो ऐसे जाती है, उन्होंने मुझे बड़ा अजीब लग रहा दिखाते हुए, लाइक अ हॉल्टर नेक पैंटी है, देन वी हैव अ बिकनी सॉर्ट ऑफ थिंग जो ऐसे काफ़ी ख़त्म है, जो मुझे देखना पड़ेगा कि ये फिट कैसे कहाँ से आएगी और क्या आएगी। इसका मटेरियल एवरेज है, इतना कोई अच्छा नहीं है, बट ठीक है 103 रुपये में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। आई थिंक सरोजी वाले भैया भी आपको 100 रुपये में बिकनी दे सकते हैं, सो देयर यू गो फ्रॉम आजियो। अब मैं इसको पैक करके रख दूंगी बिकॉज अभी मेरे कोई काम नहीं आने वाले। नेक्स्ट वन इज अगेन अ स्टील डील फ्रॉम आजियो। ये शॉर्ट कुर्ता मुझे पड़ा है 169 रुपीज़ का, विच इज़ आई थिंक क्रेजी। इसका एक्चुअल MRP है 499 रुपीज़। ये मुझे ऐसे ही पड़ी थी, मैंने इस बार जब फुटवेयर एंड ऑल ऑर्डर किए तो भाई कूपन कोड कुछ लग रहा था, उसमें कुछ और आप लेते तो और डिस्काउंट हो जाता, तो वहाँ पर जाके मैंने ये किया, उस पर्टिकुलर कार्ट में गई मैंने, मतलब कार्ट में नहीं सेक्शन में गई, लो टू हाई का फिल्टर लगाया, मुझे कुर्ता अच्छा लगा। और मैं आपको जो प्राइसेस आज बता रही हूँ ना, दे आर लाइक द फाइनल प्राइस कि मैंने इतना पे किया पर्टिकुलर के हिसाब से, मतलब डिस्काउंट प्लस वो जो कोड लग जाते हैं ना उसके बाद भी जो डिस्काउंट होता है, तो ऐसे करके मुझे 169 रुपीज़ का पड़ा है। लव्ड इट, यू कैन सी इन द फ्रेम एज वेल कितनी सुंदर लग रही है। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता वट एवर यू से। इसमें साइड में ऐसे ये एक्स्ट्रा ऐसे बल्जेस टाइप जा रहे हैं, जो आई थिंक आपके पूरा ये वाला जो एरिया होता है ना उसको काफ़ी अच्छे से कैमोफ्लाज कर देता है। सो अगर आपको ब्लोटिंग का इशू है, थोड़ा सा आपका टमी बाहर रहता है, जो मेरे साथ इशू है बिकॉज मैं ओवरऑल पेटीट हूँ, लेकिन मेरा पेट थोड़ा सा बाहर है जो काफ़ी बार अजीब लगता है, तो मैं ऐसे ये जो टॉप्स होते हैं थोड़ा सा कैमोफ्लाज कर देता है, मैं ऐसा पहनना प्रेफर करती हूँ। अगेन वेरी वेरी कम्फर्टेबल। मैंने इसमें बाय द वे साइज लिया है S, मुझे एकदम फिट आ रहा है, इनफैक्ट हल्का सा मुझे लूज आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी फंसके नहीं आ रही, वेरी ब्रीदेबल। और इसमें इन्होंने स्लीव्स भी दिए हैं अंदर, जो आई थिंक मैं नहीं लगाने वाली हूँ, मैं इसको हटा दूंगी बिकॉज ये साइड से ऐसा मोटा मोटा हो रहा है। सो वी हैव दी स्लीव्स एज वेल, जिसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट मुझे स्लीवलेस ही बहुत सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट क्लोथिंग पीस इज सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज का फिट मुझे बहुत ही खराब आया है, आई विल टेल यू व्हाई। सो मॉडल के ऊपर तो ये ट्राउजर बहुत अच्छी लग रही थी, और जो बैक की फोटो थी ना वो मॉडल की थोड़ी सी ब्लर थी, काफी दूर से भी शॉट लिया हुआ था, सो मुझे इसमें लगा कि ट्राउजर पीछे इलास्टिक है, सो मुझे लगा चलो इलास्टिक है फिट एनियाउ अच्छा ही आएगा। और फिर मैंने साइज मंगा लिया मीडियम, और इसका साइज चार्ट भी कुछ गड़बड़ था बिकॉज इसमें नीचे लिखा हुआ था SML, ऐसे ऑप्शन चूज करने का था, और जो आप साइज चार्ट में जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन था 28-30, और वो SML से कोई उन्होंने मैच नहीं कर रखा था, वहाँ पे अलग ही साइज चार्ट था और नीचे एक अलग था, तो आप मैच भी नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने रैंडमली M ही मंगा लिया। मुझे लगा ठीक है मेरा थोड़ा सा ब्लोटेड एरिया है, स्मॉल मुझे टाइट आएगा, पीछे इलास्टिक है तो M मंगा लेती हूँ, बट इसमें पीछे इलास्टिक नहीं आई यार। ये कुछ ऐसी ट्राउजर है जो मुझे बहुत गंदी फिट दे रही है, आप देख सकते हो कितनी लूज है मेरे ऊपर। आई थिंक ये मुझे इसके लिए प्रेगो होना पड़ेगा, तब जाके मुझे फिट आएगी बिकॉज बहुत लूज है, बट मुझे काफ़ी क्लासी लग रही है। और इसका जो रिटर्न डेट थी वो भी निकल गई बिकॉज इस पैकेट को जब आया था मैंने ऐसे के अंदर रख दिया, और फिर मैं भूल गई इसकी रिटर्न डेट भी चली गई। सो या सो देखते हैं इसका मैं क्या करूँगी, किसी को या तो गिफ्ट कर दूंगी जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इट्स रियली नाइस। अगर आप ऑफिस गोइंग हो ना तो ये काफ़ी क्लासी लगेगी। इसके जो बटन है ना वो अंदर की साइड है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि बटन अंदर की साइड है। सो ये ऐसे क्लोज होती है, फ्रंट से आपको कुछ भी नहीं दिखता, काफ़ी एकदम नीट इसकी लुक आती है। साइड में ऐसे दो बकल्स दिए हुए हैं जो कुछ नहीं करते, खाली स्टाइल के लिए हैं। पॉकेट इसकी बहुत अच्छी है, दोनों साइड आपको इतनी अच्छी डीप पॉकेट मिलती है, लेंथ मुझे इसकी एकदम परफेक्ट आ रही है। ये हाई वेस्टेड है बाय द वे, इसलिए मुझे हाई वेस्ट पर जाके और ढीली आ रही है, बहुत अजीब लग रही है। सो ये आई थिंक देखती हूँ मैं कुछ, या तो टेलर से कुछ जुगाड़ कराऊंगी, नहीं हुआ तो आई विल गिव इट अवे टू समवन। इसका MRP है 1990, ये मुझे पड़ी थी 676 रुपीज़ की आफ्टर ऑल द डिस्काउंट एंड डील। सो मुझे 676 में तो एकदम स्टील डील लगी थी, बट इसकी फिट काफी खराब आई, सो यार डिसअपॉइंटेड। नाउ कमिंग टू ज्वेलरीज, नाउ दिस इज वेरी अनयूजुअल, मैंने फर्स्ट टाइम आजियो से ज्वेलरी ऑर्डर करी और मुझे दिखी गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स फॉर 150 रुपीज़। मतलब मैं खुद शॉक में रह गई थी कि ये क्लेम सच है या फिर नहीं है, आई डोंट नो बिकॉज अभी तक मैंने इनको पहन के टेस्ट नहीं किया है, बट दिस आर इट लुक्स लाइक, ये कोई माही करके ब्रांड है फैशन ज्वेलरी, और ये छोटी छोटी बालियाँ मिल रही थी। आई लव द फैक्ट इन्होंने अपने जो पेज है आजियो पे पूरा मैंशन किया हुआ है साइज, तो कभी काफ़ी बार होता है लोग धोखा खा जाते हैं कि इयररिंग्स दिखाए ऐसे हैं छोटे से आए हैं, सो उन्होंने पूरा ऐसे MM करके दिखाया भी हुआ था, और ये
पहन के मॉडल ने ऐसे दिखाया हुआ था। मैंने दो ऑर्डर कर दिए हैं, सबसे पहले दिखता है कुछ इस तरह से। ये वाला डिजाइन मैंने अपने लिए चूज किया है, मुझे काफी सही लगा इसमें ऐसे करके। मेरे पास एक बड़े हुप्स हैं जूल्स गैलेक्सी के, उसमें भी कुछ ऐसे ही करके डिजाइन जा रहा था। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक। बाय द वे इनका जो पीछे का लॉक है ना वो भी एकदम रियल, जो गोल्ड की बालियां आती है ना इसका लॉक बिल्कुल वैसा है, बिकॉज मेरे पास एक गोल्ड की बालियां है एंड उसका डिट्टो ऐसा ही लॉक आता है। कैन यू सी, ऐसे वाले जो लॉक निकलते हैं ना लाइक जो ऐसे टक करके ऐसे लॉक हो जाते हैं। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक। काफी टीनी टाइनी सी है, सो लेट्स सी कि गोल्ड प्लेटेड है नहीं है। मैं इनको अभी रेगुलरली मैंने पहनना शुरू नहीं किया, मैंने जस्ट अभी निकाले हैं। आई वॉज वेटिंग, हॉल शूट करूंगी उसके बाद पहनना शुरू करूंगी। सो अगर मैं इनको डेली बेसिस पे पहना, लाइक फेस वॉश करते हैं हम, कुछ भी परफ्यूम लगाते हैं, डिओ लगाते हैं, तो जो नकली वाली ज्वेलरी होती है ना वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, फिर वैसे भी वो अजीब सी डल हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। अगर ये एक्चुअल में गोल्ड प्लेटेड हुई तो ये नहीं होनी चाहिए। सो वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। सो दिस इज डिजाइन नंबर वन। एंड डिजाइन नंबर टू जो मेरी मम्मी ने सिलेक्ट किया था अपने लिए वो है कुछ इस तरह से। दीज आर लाइक ऐसी जो मोटी मोटी वाली बालियाँ होती है ना, ये मैं आपको दिस आउट लुक्स लाइक, जैसे फ्रंट में थिक होती है और पीछे भी ऐसे हल्की हल्की थिक है। सो या आई थिंक अगर ये खराब जब भी हो गई फिर तो मैं लुट गई, बिकॉज 150 रुपये में मुझे ये शायद अमेजोन से जूल्स गैलेक्सी एंड ऑल से पूरा सेट मिल जाता हुप्स एंड ऑल का। बट एक्चुअल में अगर ये गोल्ड प्लेटेड हुई तो ये अच्छी चलनी चाहिए। नेक्स्ट अप, आई ऑल्सो ऑर्डर्ड अ चेन जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसका रिटर्न भी नहीं हो रहा था। आई थिंक ये एलिजिबल नहीं थी रिटर्न के लिए। ये फ्रॉम द ब्रांड ऊंफ करके कोई ब्रांड है, ये भी अपना आपको गोल्ड प्लेटेड बोल रही है। पता नहीं यार आजियो पे क्या ही क्लेम चल रहे हैं, सारी ज्वेलरी अपना वो गोल्ड प्लेटेड बोल रही है। ये मुझे पड़ी थी 290 की, वाइल इसका एक्चुअल एम आर पी है 1282 और अभी ये 290 से भी ज़्यादा सस्ती में आपको मिल रही है। सो ये बेसिकली दिखती है कुछ इस तरह से। मुझे ना इसकी चेन जो थी ना पतली, इसकी वजह से मैंने मंगाया था, बट आई डोंट नो, मुझे देख के बड़ी अजीब सी लग रही है। और यहाँ पे एक ईवल आई टाइप बना हुआ, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ईवल आई बना हुआ है। और ये जो लॉक होता है ये ऐसे ही फ्रंट से ही खुलती है, इसमें पीछे कोई होके वो वाला सीन नहीं होता। ये ऐसे यहाँ से आप इसको जब लाइन को ऐसे फ्लैट करके निकालोगे ना, यू कैन जस्ट वेयर इट लाइक सो, आप ऐसे इसको पहन सकते हो। आई थिंक आई विल वेयर इट नाउ। पीछे टैग लटकता रहेगा, किसको भी पता चल रहा है, बिकॉज वो मैं बाद में डालूंगी, अब ये रिटर्न तो होगा नहीं वैसे भी। सो काफ़ी स्लीक है, अच्छी लग रही है, बट मुझे पता नहीं है, मुझे फील में काफ़ी पतली लगी, बहुत अजीब सी फ्लिम्सी लगी। भी अपने आपको गोल्ड प्लेटेड क्लेम करती हैं। सो लेट्स सी इसका शाइन कितना इंटैक्ट रहता है। मैंने एक जूल्स गैलेक्सी मंगाई थी अमेजोन से, वो मेरी ऑलमोस्ट ब्लैक हो गई है। उसका जो ये वाला एरिया है ना वो टार्निश होना पूरा शुरू हो गया, वाइल उसकी चेन फिर भी इंटैक्ट है। सो देखते हैं अगर ये एक्चुअल में गोल्ड प्लेटेड हुई तो उसका ये वाला एरिया भी टार्निश नहीं होगा। सो ये चीज़ मैं आपको पहनने के बाद ही बता सकती हूँ। बट ओवरऑल इसकी जो वेट एंड ऑल लुक है ना वो ठीक ठीक है। आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन फॉर 290 रुपीज। लेट्स स्टार्ट विद हील्स नाउ। सबसे पहले जो मैंने जनवरी मंथ में ली थी वो थी स्नीक पीक की। मैंने सारी स्नीक पीक की मंगाई है, इट इज अ ब्रांड ऑन आजियो जो काफी अच्छी हील्स बनाता है। सो मैंने ली है रेप्टाइल वाली और सबके साथ ये वाले बैग्स आते हैं जो काफी सही रहते हैं। रेप्टाइल प्रिंट आजकल काफी इन चल रहा है और आई थिंक ऐसा वाला जो प्रिंट होता है ना वो सबके साथ जाता है, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी है। काफी अच्छी ब्लॉक हील्स है, वेरी वेरी नाइस एंड स्टेडी। मुझे आजकल ब्लॉक हील्स ही अच्छी लगती है। इनफैक्ट अब इंडियन में शायद मेरे पास पेंसिल हील है, अदरवाइज सारी वेस्टर्न हील्स मेरी अब ब्लॉक हील्स ही हो चुकी हैं। आई लव देम, वेरी वेरी कंफर्टेबल। इसका फ्रंट का जो स्ट्रैप है काफी पतला है, पीछे से ग्रिप इसमें काफी अच्छी आती है। सो इसका प्राइस है 199 रुपीज, 2000 ही लगा लो। और ये मुझे पड़ी है आफ्टर ऑल द डीजल डिस्काउंट 672 रुपीज की। इसमें मैंने साइज लिया है 38। आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी 672 के डील पर, तो आई थिंक स्टील डील ये पड़ी है, बिकॉज अगर ऐसा प्रिंट मैं कोई H&M ज़ारा में लूंगी ना ये 3-4 हज़ार से कम नहीं आने वाला। इसकी लुक भी काफी अच्छी हाई क्वालिटी फील होती है। सो दिस इज रियली नाइस। नेक्स्ट वन इज अ वाइट स्लिपर जो एकदम फ्लैट स्लिपर्स होती है ना, मुझे काफी टाइम से ऐसी वाइट कलर की चाहिए थी, बिकॉज एक दो आउटफिट होते हैं जिसमें वाइट ही जाता है और कोई कलर नहीं जाता, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी। दो आई नाउ फील लाइक कि मैंने एक्सपेंसिव ले ली, मतलब 455 की मुझे पड़ी थी। इसका एक्चुअल एम आर पी है 1300, सारे डिस्काउंट एंड ऑल के बाद मुझे 445 की पड़ी थी समथिंग। एंड आई डोंट नो, आई थिंक मुझे अगर लोकल में भी अगर ये 200-250 की दिख गई ना तो मैं शायद रो पड़ूंगी, बिकॉज अब मुझे लग नहीं रहा कि 445 की इतनी वर्थ है। एकदम फ्लैट ये स्लिपर है, वाइट कलर कुछ ऐसे दिखती है। नो डाउट ये कंफर्टेबल है, आई फील वेरी कंफर्टेबल। इसका कुशन बहुत अच्छा है, देखते हैं कुशन आगे कितना स्टे करता है। अच्छी भी लग रही है, आई थिंक मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम ऐसी कोई स्लिपर होंगी जिसमें पीछे कोई ग्रिप नहीं है। मैं बिना ग्रिप के स्लिपर्स नहीं लेती, मुझे पर्सनली वो अच्छी लगती जो खाली इतना इतना पोर्शन होता है और लड़कियों पहन के चली जाती है। आई डोंट नो उनकी ग्रिप कैसे आती है, बट इसमें ये वाला जो एडिशनल ग्रिप दी हुई है ना इसकी वजह से बहुत एक अच्छा होल्ड आता है, मेरे पैर बहुत ज्यादा उठते नहीं है। सो कंफर्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है। बट आई पिक्ड अप दीज
ब्लैक फुटवेयर जो मैंने काफ़ी टाइम से अपने आजियो के विशलिस्ट में डाली हुई थी, मैं आपको एक कशी का ज्ञान देना चाहती हूँ, आपको आजियो पे कुछ भी पसंद आया ना उसको हार्ट कर दो, मतलब उसको अपने विशलिस्ट में डाल लो, और फिर जब भी आप विशलिस्ट खोलोगे ना आपकी कस्टमाइज लिस्ट तो बनी जाती है, प्लस वो आपको अपडेट भी देता है कि वाला आइटम कम प्राइस का हो गया, इस पर डील आई है तो आपको पता भी चल जाता है। सो इस पर जब डील आई थी मैंने तब भी ऑर्डर डाल दिया था। ये फ्रॉम द ब्रांड अगेन स्नीक पीक की है, लेकिन ये पड़ी है मुझे 577 रुपीज़ की, लिटरली वो फ्लैट ऑन जितने प्राइस की मुझे पड़ गई है, वो जो स्लिपर है उसी प्राइस के अराउंड मुझे पड़ गई है, लेकिन ये काफ़ी सही है, ब्लैक कलर की है, बहुत क्लासी ये लगती है। द ओनली थिंग इज इसकी जो एक ग्रिप है ना ये वाली, ये बहुत आगे जाके आ रही है, आई विश ये थोड़ा सा इतना होती है, बिकॉज जो साइड की पिंकी फिंगर होती है ना वो बिल्कुल यहाँ पे एज पे है, सो अगर मैं बहुत जल्दी भी चलूंगी देयर इज अ चांस कि वो बाहर निकल सकता है, पेन दे सकता है। अदरवाइज ये काफ़ी सही है, इसका स्ट्रैप आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये जो साइड का है इसको आप ऊपर नीचे करोगे ना तो आपका एक टाइट लूज ऐसे एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल एकदम फ्लैट वाली फील आ रही है। अगर आप ज़्यादा चलते हो, आप ऑफिस जाते हो, ज़्यादा हाई हील नहीं लेना चाहते लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा एक ग्रेस चाहिए ब्लॉक हील वाली, तो एकदम परफेक्ट है, बिकॉज ये हल्की सी हाइट भी आपको देती है, वेरी वेरी कंफर्टेबल। अगेन इसमें मैंने साइज 38 लिया है, इसमें न्यूड कलर बहुत सही था, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इसमें कलर लिया हुआ, आई थिंक उसके पास न्यूड या न्यूड पिंक है जो काफ़ी अच्छा लगता है, सो अगर आप एक न्यूट्रल कलर लेना चाहते हो कैन गो फॉर दैट वन, बट ये ब्लैक वन इज लाइक क्लासिक आपके कोई भी ऑफिस ट्राउजर पैंट जेगिंग के साथ जाने वाला है। इसका मटेरियल भी काफ़ी डिफरेंट है, मतलब दिस इज रबर, दिस इज नॉट प्लास्टिक, बड़ा एक अजीब सा मैट एक रबड़ है जिसमें पैर की ग्रिप एकदम टाइट रहती है, नीचे का बेस भी इसका वैसे रबड़ वाला है जिसमें ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एकदम पैर आपका स्टक रहता है, स्लिप नहीं होता। सो ओवरऑल आई रियली लाइक इट, इसमें जो डील पड़ी है ना मुझे 577 की, ओवरऑल इसका प्राइस 1700 रुपीज़ है, सो या दिस इज रियली नाइस। एंड विद दिस माई आजियो हॉल इज ओवर, इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसके अलावा डू कॉमेंट बिलो आपको सबसे अच्छा आइटम कौन सा लगा और मुझे क्या शॉप करना चाहिए, अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हो कि आप आजियो से ये ब्रांड ट्राई करो या मिंत्रा से कुछ ऐसा ट्राई करो, प्लीज मुझे वो ही बता देना कमेंट सेक्शन में, आई डेफिनेटली ट्राई एंड रिव्यू फॉर यू गाइज, एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज। मे मंथ में आने वाला है मेरा बर्थडे गिव अवे, मे में मेरा बर्थडे आता है तो मैं मे मंथ में गिव अवे सीरीज करने वाली हूँ, सो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।